हालेलुया। परमेश्वर आप सब से प्रेम करता है और परमेश्वर ने आप सबके लिए एक अद्भुत प्लान मंजिल रखी हुई है, जो सही समय पर आप जब अपने जीवन को खराई में चलाएंगे, पवित्रताई में रखेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, वो मंजिल जो खुदा ने आपके लिए रखी है आप उसे प्राप्त करेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक के जीवन में, स्पेशली वो लोग जो बचाए गए हैं, जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है, और वो लोग जो उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार होते हैं, हालेलुया, जिनके जीवन में उद्धार आ गया है, उसका मतलब उसके जीवन में कठिनाइयों की वो शुरुआत आ चुकी है। वचन में लिखा है कि मैं दुनिया में आया, मैं इस जगत में आया और जगत ने मुझे नहीं पहचाना, जगत ने मुझसे बैर रखा, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया, अपनों ने, उस जगत ने मुझे पकड़वाया, अपनों ने मुझे छोड़ा, हालेलुया। और जो बातें मेरे साथ हुई, वो लोग जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, वो लोग जो मेरे साथ चलने का वायदा करते हैं, हो नहीं सकता वो बातें उनके साथ ना हो। आज कलीसिया जब हम तैयार होते हैं, हम बड़े ही जोश में कि हम यीशु मसीह के साथ नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ बने रहेंगे, उसके साथ अड़े खड़े रहेंगे, कोई भी चीज़ हमें हम वचन को नहीं ठुकराएंगे, यीशु मसीह के नाम को नहीं ठुकराएंगे। पर आप एक चीज़ को जानो, वो चेले जो उसके साथ रहे, जिन चेलों ने खुदा के बड़े बड़े काम को देखा, अंधों की आंखें खुलती हुई देखी, गूंगों की जुबान खुलती हुई देखी, दुष्ट आत्मा को आजाद होते हुए देखा, एक समय था वो चेलों ने भी साथ छोड़ा था, हाँ कि ना? वचन में लिखा है कि नहीं? हाँ कलीसिया, हाँ कि ना? वो चीज हुई थी, जो लोगों ने काम देखे उन लोगों ने एक समय पर, और यीशु मसीह ने हर एक बात जो वचन में लिखी कि मेरे साथ कोई ना रहेगा। अगर आप यूहन्ना 17 को 17 चैप्टर पढ़े, उसमें साफ लिखा हुआ है, उसने पहले ही बता दिया था कि वो समय आ रहा है जब कोई भी मेरे साथ ना खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह को अपनी मंजिल पता थी कि मैं किस लिए इस जगत में आया हूँ, मैं मेरा क्या उद्देश्य, मेरा क्या मकसद है इस जगह पर आने का। अगर वो उस मकसद से हट जाते तो हम में से कोई भी यहाँ पे ना होता, अगर उसके चेले उस मकसद से हट जाते तो कभी भी हम बचाए ना जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई भी वचन में से कोई भी व्यक्ति को आप उठा लो, मैं हमेशा यूसुफ की बात करता हूँ, यूसुफ अपनी मंजिल पे इसलिए पहुंचा कि वो अड़ा और खड़ा रहा, बना रहा, और जो बातें यहोवा ने उसे दिखाई बचपन में ही, उसने अपनी उस मंजिल से अपनी निगाहें इधर उधर ना की। चाहे समस्या आई, चाहे अलग अलग तरीके से प्रेशर आया जीवन के अंदर, पर कोई भी ऐसी बात, चाहे फैमिली की तरफ से भाइयों ने छोड़ दिया, भाइयों ने बेच दिया, हाँ अगली जगह वो गया, वहाँ पे नौकर की तरह रहा, उसके बाद अगली जगह वो जेल खाने में डाला गया, फिर वहाँ से पोतीफर ने निकाला उसको, उसकी पत्नी ने उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश करी, वहाँ से वो भागा, उसको पता था कि उस मंजिल जो खुदा ने उसके लिए रखी है, जो महिमा उसको मिली है, वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए वो चीज़ ठहराई है। वैसे खुदा ने उसके चुने हुए लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति जो आप इस आवाज को सुन रहे हो, आप चुने हुए लोगों और आप में से एक एक के लिए परमेश्वर ने वो मंजिल ठहराई हुई है। आज आपने उस बात को समझना है कि वो मंजिल आपकी क्या है। हालेलुया। मैं इस दुनिया की बात नहीं कर रहा, जैसे आपको पता है अंत के समय की बातें जो आपको बताई जाती हैं, हम इस दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं आपसे जो यीशु मसीह, जिसके लिए आपको यहाँ पर इस पृथ्वी पर आया, आपको वो वहाँ लेकर जाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। हमारी दौड़ इस संसार की नहीं है। हालेलुया, हमारी दौड़ इस संसार की नहीं है, इससे बढ़कर, इससे कई गुना अधिक खुदा ने हमारे लिए रखा है। आमीन, आमीन। आपने एक बात समझना है कि अगर आप लोग आपके साथ बैर नहीं कर रहे तो आपका जीवन सही नहीं चल रहा मसीह के अंदर। अगर आप दुख नहीं उठा रहे तो आप मसीह में नहीं चल रहे।
वचन में कहीं नहीं लिखा कि दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे, समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लोग तुम्हें भुला भरा नहीं कहेंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा है कि वो चीज़ें जो मेरे साथ हुई मेरे चुने हुए लोगों के साथ, वो उद्धार करते जो जिन लोगों ने उद्धार पाया उन लोगों के साथ वो बातें होंगी। परंतु उसमें तुम डरना नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा तुम्हें बात बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। तब तब तुम्हें तुम्हारे जीवन में वचन याद आएगा कि यीशु मसीह के जीवन में ये बातें हुई, और वचन में साफ लिखा है कि मैं वो चुना हुआ वंश हूँ, मैं वो चुना हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरे जीवन में भी वो बातें होंगी। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद रखो, आप संसार के नहीं हो, संसार में तो हो पर संसार के नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ना चाहूंगा मैं, जैसे यूहन्ना 17 में बता रहा था मैं, उसके 14 और 15 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करे इसमें और कहते हैं, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं। यहाँ पर वह आपकी बात हो रही है, हम सब की बात हो रही है। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहीं भाई वचन में आप इफिसियों में पढ़ लो, 4:20 में आप याकूब में पढ़ लो, हर एक जगह पर ये लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा कि आपको यहोवा उन विपत्तियों से बचाएगा या उन विपत्तियों से आपको कोई ऐसी टेक्निक बता देगा जिससे आप निकल जाओ। आपको उस विपत्ति उस टेस्ट में जाना ही पड़ेगा, हाँ, परंतु वो सामर्थ्य जो खुदा की ओर से पवित्र आत्मा की ओर से आपके जीवन में आएगी उसके द्वारा आप विजय होगे। आमेन। अगर दाऊद उस जंग के मैदान में गोलियत के खिलाफ जाता ही ना तो उसको वो महिमा नहीं मिलती, वो उस महिमा वाली बात को हम कभी ना पढ़ते कभी ना देखते। आपको लगता है परमेश्वर गोलियत को खुद नहीं हरा सकता था, परंतु परमेश्वर लोगों को चुनता है ताकि खुदा के नाम को महिमा मिले। आप वो लोग हो जो चुने गए हो, आपके जीवन के द्वारा खुदा की महिमा होती है। यार हर एक गवाही, हर एक काम जो आपके जीवन में होता है वो एक गवाही को उत्पन्न करती है, और उस गवाही के द्वारा उस काम के द्वारा खुदा की महिमा होती है। हालेलुया। वो इसराइली जो मिस्र से बाहर निकले, अगर वो काम ना देखते, अगर वो काम ना होते तो वो कभी भी बयान ना लिख, कभी भी बाइबल में ना लिखे होते, कभी भी। वो चीज़ हुई, इसलिए आज हम परमेश्वर को याद करते हैं कि परमेश्वर तो वो खुदा है जो लाल समुद्र के दो भाग कर सकता है। हालेलुया। वो तो खुदा है परमेश्वर जो आग के खंभे की तरह इसराइलियों के साथ चलता है परमेश्वर। तो वो खुदा है परमेश्वर जो बादल के समान उस गर्मी में परमेश्वर तू इसराइलियों के ऊपर इसराइलियों के साथ चलता है। खुदावन परमेश्वर तू स्वर्ग से मन्ना को बरसाता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ खुदा आपके हर एक चीज का ध्यान रखता है, पर एक बात जो हमें याद रखनी है, हम संसार में हैं तो सही पर हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम हर पल हर समय हर एक एक्शन हर एक कार्य के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम हमेशा हमारे जीवन में सदा प्रथम स्थान रखे। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ तैयार हो जाओ। आपको पहले भी बताते हैं कि ये कलीसिया आपको इन बातों के लिए तैयार नहीं करती कि बड़े बड़े काम में बड़ी बड़ी आशीष आपके जीवन में आएंगी। मैं बोल रहा हूँ जब चेले यीशु मसीह के जान चेलों ने उस सुसमाचार को किया तो एक भी चेला आशीषों में नहीं जी रहा था, ऐसी ऐसी समस्याओं में वो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यीशु के नाम को आगे हमें लेकर जाना है, उसके नाम को उस सुसमाचार को करना है तो हमें कठिनाइयों में से जाना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर हम सुसमाचार को कर रहे हैं दिन प्रतिदिन कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, परंतु हमारी प्रार्थना ये होती है कि इस कठिनाइयों में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य जो हमारे अंदर वास करे उसके साथ हम दिन प्रतिदिन चलने पाएं। और वही सामर्थ्य हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि दिन प्रतिदिन कोई भी बात आपको कमजोर ना करने पाए, कोई भी बात आपको वचन के विरुद्ध ना लेके जाने पाए, कोई भी बात आपको पीछे ना धकेलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं
हर रोज कि आप में से एक एक खराई से चलने पाओ, यहोवा की उस योजना उस मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाओ, और उस शैतान से बचे रहो, उसकी चाल से बचे रहो, उसकी योजना जो वो आपके खिलाफ वो आपके विरुद्ध बनाता है उससे बचे रहो। कहीं ने लिखा कि आप उस योजना में फंस जाओगे। अगर आपका भरोसा यहोवा पर है, वचन में लिखा है साफ कि यहोवा आपको सामर्थ देगा उस समस्या उस प्रॉब्लम से निकलने की। अगर आप पवित्र आत्मा वचन को नहीं जानते, वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते, तो कभी भी आप उसकी महिमा को नहीं देख सकते। लोग कहते हैं काम नहीं होता, काम इसलिए नहीं होता कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर वचन नहीं भरा, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं है। जिन लोगों के जीवन में सामर्थ है, मैं संडे को भी बात कर रहा था सनौली में कि परमेश्वर सामर्थ्य है हम बोलते हैं, तो सामर्थ्य खुदा सामर्थ्य अपने पास नहीं रखता, वो सामर्थ्य को देता है, वो सामर्थ्य को भेजता है। और जो सामर्थ्य भेजी जाती है इसका मतलब आप सामर्थ्य को ग्रहण करते हो, सामर्थ्य को प्राप्त करते हो। और एक सामर्थी व्यक्ति वो बलवंत होता है, उसे पता होता है कि किस तरीके से मैंने अपने युद्ध को मैंने अपनी लड़ाई को लड़ना है। हालेलुया। दूसरी बात एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, हम कहते हैं परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे। आप एक बात को समझो, वो सामर्थ्य आपने प्राप्त की है, वो हथियार आपके पास आ चुके हैं। अब आपने प्रार्थना क्या करनी है, वो हथियार को चलाने की बुद्धि और समझ आपको आपके पास होनी चाहिए। अगर आप प्रार्थना ना करें, आप समझ ना रखें हथियार को चलाना कैसे है, तो आप कभी भी जंग को नहीं जीत सकते। हालेलुया, हालेलुया। हथियार आपके पास है, सामर्थ्य आपके पास है, अब समय है युद्ध के मैदान में जाने की और खुदा के उस महान काम को देखने की जो वो आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी तलवार को उठाओ, आप उस युद्ध उस समस्या में जाओ, और वो चाहता है कि आप खुद उस समस्या से लड़ो, वो परमेश्वर, क्योंकि वो आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा उस जंग के मैदान में, उस समय वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने क्या करना है, आपने डरना नहीं, घबराना नहीं, आपने सिर्फ आगे की ओर बढ़ना है और खुदा की महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखना है। हालेलुया, हालेलुया। समस्या आएंगी, समस्या दिन प्रतिदिन आपके जीवन में आएंगी, पर उस समस्या से लड़ने की सामर्थ्य मेरा खुदा आपको देगा यीशु के नाम से। हालेलुया।